नमस्कार। तो आज की जो हमारी इन्फो होगी वो डेफिनेटली पूरे कॉलेजेस की जो ऑल एफिलेटेड कॉलेज हैं उनके बारे में होगी, और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियों को भी देखने का प्रयास करेंगे। आपको पता ही होगा कि स्पोर्ट कोटा का जो कट ऑफ था वो निकाल दिया गया था, और नोटिफिकेशन जारी करने के बाद उनको बुलाया गया है कि एडमिशन जो है वहाँ पर प्रवेश भवन में आप रिपोर्ट कीजिए, इसके बाद जो भी प्रोसेस होगा वहाँ पर एडमिशन आपको ले लिया जाएगा। बेसिकली यहाँ पे LLB BLLB जो ऑनर्स करना चाहते हैं उनका पहला कट ऑफ जो जारी कर दिया गया है, 27 नवंबर को जो है वो काउंसलिंग होगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ पे सभी एफिलेटेड कॉलेज जैसे ADC हो गया, CMP हो गया, ISDC हो गया और मेन कैंपस भी हम साथ ही में देखेंगे, सभी ने अपने कट ऑफ जो है वो जारी कर दी है। ठीक है, क्या डेट है, कब काउंसलिंग होगी, क्या प्रोसेस है, एक एक चीज़ हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। चाहे वो BA हो, BSc हो, BCOM हो, LLB हो, चाहे जो भी कोर्स हो, एक एक समझने का प्रयास कर देंगे। तो मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एट द लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, मेन कैंपस की अपडेट का बात करता हूँ तो BLLB का देखिए हाई कट ऑफ गया है मेन कैंपस का, लेकिन जो लोवेस्ट में बात करूँ तो देखिए जो एफिलेटेड कॉलेज है उनकी कट ऑफ जो है वो लो जाएगी। सो डोंट वरी, हो जाएगा। ठीक है, देखने के ऐसा नहीं है कि अगर आपका 100 के है, 100 के आसपास है तो हो पाएगा कि नहीं, तो एफिलेटेड कॉलेज में आपका हो जाएगा। सो डोंट वरी कि आप, अगर आप मैं प्रीवियस ईयर का पेपर की बात करूं, जो प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ गया है वो काफ़ी लोवेस्ट गया है। तो BLLB ऑनर्स की मैं बात करता हूं, पहला कट ऑफ जारी कर दिया गया है, 27 नवंबर को जो है काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है, ऑनलाइन काउंसलिंग करवा सकती है। देखिए मैं बात करता हूं कि ऑल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गई है वो 199 गई है, काफ़ी हाई कट ऑफ है। और जो OBC कैटेगरी है, देख सकते हैं 11 नंबर का अंतर जो है साफ साफ दिखाई दिया गया है, 188 गई है OBC कैटेगरी के लिए। वहीं मैं SC कैटेगरी की बात करूं तो SC कैटेगरी के लिए 169 गई है, यानी 169 गई है। वहीं ST कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो 134 गई है। यहाँ पे उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ पे जल्द ही दूसरी कट ऑफ भी जारी की जाएगी। पहली कट ऑफ तो काफ़ी हाई रही, ऑल कैटेगरी 199 और OBC कैटेगरी 188 और SC कैटेगरी 169, साथ ही साथ में ST कैटेगरी 134 में आते हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं BSc होम साइंस जो करना चाहते हैं। देखिए BSc मेन कैंपस की अपडेट यहाँ पे जारी की गई है, होम साइंस की दूसरी कट ऑफ जारी हो गई है, 25 नवंबर को आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। ठीक है, देखिए BSc होम साइंस की मैं बात करूँ तो ऑल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो 168 गई है। ठीक है, ऑल कैटेगरी, चाहे आप जनरल हो, BSc हो, EWS हो, PH हो, स्पोर्ट हो, सब किसी में भी। हालांकि आपको पता होगा कि हर कॉलेजेस की जो होती है वो स्पोर्ट कोटा और PH के लिए अलग से कट ऑफ जारी की जाती है। अभी स्पोर्ट कोटा की कट ऑफ जो है वो जल्दी में जारी की गई है और डेट बाय डेट दिया गया है कि वो स्टूडेंट प्रवेश भवन में जाके जो भी उनके डॉक्यूमेंट है वहाँ पर अब जमा करें, इसके बाद एडमिशन ले सकते हैं। दूसरी बात ये कि आज की PH की जो है PH की कट ऑफ जारी कर दी गई, जो PH की स्टूडेंट है उनके लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। ऑल अपीयर्ड ST EWS OBC और SC ST कैंडिडेट को बुला लिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा, ये जो 168 है ये सिर्फ जनरल के लिए मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि EWS OBC SC और ST सभी कैंडिडेट को बुला लिया गया है। होम साइंस जो करना चाहते हैं, मतलब कितना भी नंबर हो, आप बस परीक्षा में बैठे थे, यही बड़ी बात है, आपका एडमिशन हो जाएगा। अगली जो कट ऑफ निकाली गई है, अगली कट ऑफ की मैं बात करता हूँ, अगली कट ऑफ है ADC कट ऑफ अपडेट, जो कि 25 नवंबर के लिए काउंसलिंग जो है बुलाया गया है, आप वहाँ पे जाकर कॉलेज में काउंसलिंग करवा सकते हैं। BCOM बॉयज़ की बात करता हूँ मैं, BCOM बॉयज़ जो कि आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, किडगंज कैंपस जाना पड़ेगा। मैं बात करूँ तो EWS के लिए जो कट ऑफ गई है वो 130 एंड अबव गई है, मतलब 130 प्लस है आपका, और आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप BCOM बॉयज़ के लिए वो जो है एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए। OBC के 129 गई है, सिर्फ एक नंबर का अंतर है यहाँ पे, जबकि ऑल अपीयर्ड SC कैंडिडेट को बुला लिया गया है और ST कैंडिडेट को भी बुला लिया गया है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि BCOM की जो कट ऑफ है वो जल्द ही 100 के पास आने के चांसेस हैं। हालांकि आपको पता होगा कि ADC जो है BCOM के लिए फेमस है, इस वजह से इसमें जो है सीटें जो हैं जल्दी फुल हो जाती हैं, जबकि ऑल कश्मीरी माइग्रेंट्स को भी यहाँ पे बुला लिया गया है। अब हम बात करते हैं BCOM गर्ल्स की, तो BCOM गर्ल्स की स्टार्टिंग से ही जो कट ऑफ वो हाई जा रही है, 152 150 दो चार अंक का यहाँ पे अंतर हो रहा है। तो मैं निर्देश दूंगा, मैं एडवाइस दूंगा कि अगर आप यहाँ पे BCOM लेना चाहते हैं तो आप एफिलेटेड कॉलेज जैसे CMP हो गया या फिर ISDC हो गया या फिर बेस्ट कॉलेजेस के अंतर्गत आते हैं तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, या फिर स्पेशली जगत तरण लेना चाहते हैं, जो गर्ल्स हैं वो अगर लेना चाहते हैं तो जगत तरण में एडवाइस दूंगा। दूसरी बात है BCOM की मैं बात कर लेता हूँ, तो BCOM गर्ल्स के लिए मैं बात करता हूँ 08 कैंपस आपको जाना पड़ेगा। EWS के लिए जो कट ऑफ गई है काफ़ी हाई गई है, 146 गई है। OBC के लिए 144 गई है, SC के लिए 90 गई है, जबकि ऑल अपीयर्ड ST कैंडिडेट को बुला लिया गया और साथ ही साथ में कश्मीरी माइग्रेंट्स को भी बुला लिया गया है। मैं कोर्स बात करता हूँ ADC मिले हुआ डिग्री कॉलेज में BSc मैथ बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए, आपको किडगंज कैंपस जाना पड़ेगा, जो BSc मैथ करना चाहते हैं वो उनको
बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए, ठीक है। वो उनको कहाँ पर जाना है, किडगंज कैंपस। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई है इसके लिए 120 गई है, यानी प्लस इससे अबव रहेंगे, और एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो 92 एंड अबव गई है। देखिए एडीसी जो है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस से एफिलिएटेड है और बहुत पुरानी संस्था है, सबसे पहले जो है एफिलिएटेड में इसी का निर्माण हुआ था, इसके बाद जो है इसी मेन कैंपस के साथ में, ठीक है। आप इसकी जब निर्माण तिथि देखेंगे, ईश्वर शरण सीएमपी तो बाद में बने हैं, उसके काफ़ी बाद में, लेकिन एडीसी जो है बहुत पुराना कॉलेज है। तो एडीसी के जो बच्चे यहाँ पे पास में रहते हैं, मतलब प्रयाग जंक्शन के पास में, तो वो सारी की सारी प्रक्रिया मेन कैंपस में ही संपूर्ण कराई जाती है। तो इस वजह से अगर एडीसी में आप क्लास एडीसी में आप नाम लिखवाते हैं तो जो सारी प्रक्रियाएँ जो क्लासेस चलेंगी वो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं मेन कैंपस में भी। मैंने बात किया था क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट जो है यहाँ पर ही क्लास लेते हैं, कई स्टूडेंट मेरे दोस्त थे तो मैंने उनसे बात किया, तो काम में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अधिकतर जो प्रोसेस होता है वो एडीसी का इलाहाबाद के मेन कैंपस में ही होता है, तो इस वजह से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जबकि वहीं ऑल अपीयर्ड एसटी कैंडिडेट को बुला लिया गया और कश्मीरी माइग्रेंट्स को भी बुला लिया गया है। बीकॉम की मैं बात करता हूं, बीकॉम के जो है 100 के अंदर आ गई है, जो कि पहले आ गई थी 90, अब यहां पे 80 आ गई है 85। देखिए बीए बॉयज़ की मैं बात करूं, किडगंज कैंपस आपको जाना होगा। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों के लिए जो कट ऑफ गई है वो 85 गई है, यानी 85, यानी आपका 85 अगर नंबर है या फिर उससे ऊपर है तो आप ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। जबकि वहीं एससी कैंडिडेट की जो है 80 गई है, अनुमान लगाया जा रहा है कि 60 के जल्द ही पास आ जाएगी ये कट ऑफ। जबकि वहीं ऑल अपीयर्ड एसटी कैंडिडेट को बुला लिया गया है और कश्मीरी माइग्रेंट्स को भी बुला लिया गया है। मैं बात करूं बीए गर्ल्स की, जीरो रोड कैंपस आपको जाना है, ऑल कैटेगरी के लिए 80, वही सेम ही सेम है, लेकिन यहां पे देखिए यहां पे जनरल के लिए नहीं है, यहां पे ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, ठीक है, 85 गई है। अब मैं बात करूं ऑल कैटेगरी के लिए, यहां पे बीए गर्ल्स की बात करूं, जीरो रोड कैंपस जाना है ऑल कैटेगरी, चाहे वो जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, चाहे जो भी हो, 80 गई है। जबकि ऑल अपीयर्ड एसटी कैंडिडेट को बुला लिया गया है और साथ ही साथ में ऑल कश्मीरी माइग्रेंट्स को भी बुला लिया गया है। अब बात करते हैं जिसको आपको इंतजार था, मेन कैंपस यूजीटी पीएच के लिए, ठीक है, जो फिजिकली हैंडीकैप हैं। अब देखिए प्रवेश अपडेट यहाँ पे दिया गया है, उसको समझने का प्रयास कर लेते हैं। देखिए जारी हुई नोटिफिकेशन, ये क्या करना है कि 30 नवंबर तक जमा करें दस्तावेज, जो भी आपके दस्तावेज हैं वो जाके प्रवेश भवन में आपको जमा करना है 30 नवंबर तक। ईमेल के जरिए जमा करना होगा दस्तावेज, माफ़ कीजिएगा, आप ईमेल के माध्यम से यहाँ पे जमा करेंगे, ठीक है, और 30 नवंबर तक जमा करना है आपको दस्तावेज और ईमेल के जरिए जमा करना होगा दस्तावेज, एडमिट कार्ड व डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी जो सर्टिफिकेट आपके पास है वो भेजना होगा। क्या भेजना होगा? एडमिट कार्ड और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भेजना होगा। इसके बाद जारी होगा अगली सूचना, पहले आप ये जो सो डॉक्यूमेंट है उसको आपको भेज देना है, इसके बाद जो अगली सूचना है वो जारी कर दी जाएगी। देखिए जो आपको जिस ईमेल पे आपको सारे डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, सारे डॉक्यूमेंट भेजने हैं, वो ईमेल आपको इस पे भेजना है, ठीक है, dswph2020@gmail.com, ठीक है, dswph2020@gmail.com, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है, कहीं के पे नोट डाउन कर लीजिए, और इसी के माध्यम से आपके एडमिट कार्ड और जो पीएच हैंडीकैप का जो आपका है सर्टिफिकेट, उसको जो है दोनों पे भेजना है। इसके बाद भेजना है किस प्रकार से उसको हम बता देंगे, ठीक है, पहले तो आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए और इसी पे क्या करना है, आपकी जो नंबर है दोनों को जो है कंपाइलेशन करके या फिर अलग अलग करके, ठीक है, एक पीडीएफ फाइल बना करके उनको भेज देना है, ठीक है। इसके बाद क्या होगी, अगली सूचना जल्दी जारी की जाएगी, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आई थिंक आपको पीएच का पता चल गया होगा। अब मैं सीएमपी की बात कर लेता हूँ, सीएमपी डिग्री कॉलेज की अपडेट किया है। देखिए दिनांक 25 नवंबर की यहाँ पे काउंसलिंग के लिए बताया गया है, काउंसलिंग को जो है 25 नवंबर के लिए करवा सकते हैं। बीसीए की मैं कब बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई है वो 71 एंड अबव गई, काफ़ी लोवेस्ट कट ऑफ गई है, यानी ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई है वो 71 एंड अबव गई है। वहीं ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो 75 गई है एंड अबव, जबकि ऑल अपीयर्ड एससी और एसटी कैंडिडेट को बुला लिया गया है। मैं बात करूं बीकॉम की, तो बीकॉम के लिए आप समझने का प्रयास कीजिए कि ऑल अपीयर्ड एसटी कैंडिडेट को बुला लिया गया है, वही सेम प्रोसेस है, ठीक है। अभी बीकॉम जो है काफ़ी सीटें यहाँ पे भरी जा चुकी हैं, और मैं बताया जा रहा है कि अगर एसटी कैंडिडेट अगर आप नामांकन नहीं लेते हैं तो उनकी जो सीट है वो एससी कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। वहीं मैं बात करूँ बीएससी मैथ की, तो बीएससी मैथ संबंधित यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है कि यहाँ पे काफ़ी जो है सीटें वो भरी जा चुकी हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने एडमिशन ले लिया है। यहाँ पे ऑल अपीयर्ड एसटी कैंडिडेट को बुला लिया गया है, अगर नहीं आते हैं तो एससी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उनकी जो है सीट वैकेंट हो जाएगी। बीएससी बायो की बात कर लेता हूँ, देखिए बीएससी बायो की जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है 0 एंड अबव, मतलब आप बस बैठे हैं, बस ये 300 में से अगर आप एक नंबर भी लाते हैं या फिर 0 नंबर भी है तब भी आप जो है एडमिशन ले सकते हैं बीएससी बायो में सीएमपी डिग्री कॉलेज में, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है।
ऑल अपीयर एसटी कैंडिडेट को बुला लिया गया है, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी लागू किया गया है। जबकि मैं बात करूँ बीए की, तो बीए के लिए आप ध्यान से यहाँ पे देखने समझने का प्रयास करेंगे कि ऑल कैटेगरी के लिए, चाहे जनरल हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस हैं, चाहे ओबीसी हैं, सभी के लिए 110 कट ऑफ गई है, 110 नंबर, और ऑल अपीयर एसटी कैंडिडेट को बुला लिया गया है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, जो भी संबंधित जानकारी थी मैंने आई थिंक सारी की सारी जानकारी दे दी है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि 4-5 जो भी कट ऑफ आता है उनका कंपाइलेशन करता हूँ, एक ही वीडियो में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं इसलिए एडवाइस देता हूँ कि एट द लास्ट तक आप जो है वीडियो को देखा कीजिए, ठीक है। जो भी आपकी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर आई थिंक मोर देन इनफ होगा क्योंकि मैंने सारी जानकारी इसमें दे दी है। अगर आपको इसके बाद भी कोई क्वेरी है तो आप हमसे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। थोड़ा सा रिप्लाई लेट मिलेगा, इसकी वजह से थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि कई लोगों को मैं रिप्लाई नहीं दे पाता, कई लोगों को रिप्लाई थोड़ा सा लेट मिलता है इस वजह से। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से पूरी तरीके से, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।